तो अगर आपका बजट 25,000 है और जल्दी आप एक नए स्मार्टफोन में अपग्रेड करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं 5 बेस्ट करंटली अवेलेबल स्मार्टफोन जिन्हें आप 25,000 रुपए के प्राइस टैग पे खरीद पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो हमारी लिस्ट में पांचवें नंबर का जो फोन है वो है वन प्लस की तरफ से नॉट सी टू। इस फोन में आपको 6.43 इंच का फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इसके स्क्रीन में मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास वाइप का प्रोटेक्शन भी, मगर एक कमी यह है इस फोन के डिस्प्ले की, इसकी जो बॉटम चेन है वो काफी बड़ी है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 900 देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। इसके साथ ही बात करें इस फोन के ऑनरोड स्कोर की तो वो है 4,23,000। अब बढ़ते हैं इस फोन के कैमरा की तरफ। तो इस फोन के रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। और इसके साथ ही इस फोन का रियर कैमरा बम्प जो है वो काफी बड़ा है और इसी वजह से ये फोन टेबल पे थोड़ा वॉबल करता है। अब बढ़ते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरा की तरफ। तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। इस फोन के फ्रंट कैमरा से आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट इमेजेस देखने को मिलेंगी। आप ये क्लोज कर दोगे उसके बाद भी जो चिंकी मिंकी वाला जो इफेक्ट है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। बात करें बैटरी की तो इस फोन में आपको 4500mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलेगी 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि सिर्फ 32 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इस फोन में आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, तो आप मेमोरी एक्सचेंज कर सकते हैं इस फोन में। 8 5G बैंड भी देखने को मिल जाएंगे, मगर एक कमी भी है, इस फोन में आपको सिर्फ सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेगा। बात करें इस फोन के वेट की तो 173 ग्राम और मोटाई है 7.8mm। ये फोन आप दो कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ग्रे और ब्लू। इस फोन के 6+128GB वाले वेरिएंट का अभी जो लिस्टेड प्राइस है वो है 24,000 और करंटली इस पे आपको 1500 रुपए का बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के चौथे नंबर के फोन की तरफ और ये फोन है पोको की तरफ से F4। इस फोन में आपको 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके स्क्रीन में प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है गोरिल्ला ग्लास 5 और इसमें आपको वाइट 111 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसी वजह से आप OTT प्लेटफॉर्म पे HDR कंटेंट स्ट्रीम कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 870 और इस फोन का ऑनटू स्कोर है 7,35,000। तो परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही इसमें हमें एक्सेस हीटिंग का भी कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। बात करें इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। और एक अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको OS भी देखने को मिल जाता है। और बात करें फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। 4500mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 7W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेते सिर्फ 38 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। इसके साथ ही इस फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाएगा, 10 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा और प्रोटेक्शन के लिए दी गई है इसमें IP53 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी। इस फोन का वेट है 195 ग्राम और मोटाई है 7.7mm। ये फोन आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, सिल्वर, ब्लैक और ग्रीन। इस फोन के 6+128GB वाले वेरिएंट का अभी जो लिस्टेड प्राइस है वो है 28,000 और करंटली इस पे आपको 3,000 रुपए का बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो ऑल्दो स्मार्टफोन में हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही इसमें काफी अच्छा डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, मगर इसका जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो सिर्फ एवरेज ही है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस अभी इस फोन के साथ जाइए, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो हमारी वीडियोस में हम जितने भी स्मार्टफोन बताते हैं उन सभी का हम बेस्ट बैंडिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इन सभी को बेस्ट प्राइस पे खरीदने के लिए। और अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन की तरफ और ये फोन है Redmi की तरफ से K50i। इस फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तो IPS LCD डिस्प्ले 25,000 रुपए के प्राइस टैग पे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। ऑल्दो इस डिस्प्ले में आपको HDR 10 प्लस का सपोर्ट और डॉल्बी विजन का प्लेबैक भी देखने को मिल जाता है, मगर इस फोन में एक चीज अच्छी है वह है इस फोन का परफॉर्मेंस। इस फोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 8100 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और इस फोन का ऑनटू स्कोर है 8,03,000। प्रोबेबली ये इकलौता मिड रेंजर है जिसमें आपको BGMI 90 FPS पे देखने को मिलता है। बात करें इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा और ये आता है सैमसंग के GW1 सेंसर के साथ और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। और बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरा की तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और इससे आप फुल एचडी वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। 5000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिलती है 67W की फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि लेते हैं सिर्फ 46 मिनट इस फोन को
100% चार्ज करने में। और Redmi K सीरीज के साथ एक चीज अच्छी है कि इसमें आपको कोई भी एड्स और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलते हैं, और ये चीज इस फोन में भी कंटिन्यू करी है। इस फोन में आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, 3.5 जैक देखने को मिल जाएगा, मगर इस फोन में आपको कोई भी मेमोरी एक्सटेंड करने के लिए स्लॉट नहीं दिया गया है। मगर एक चीज अच्छी ये है कि इसमें आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाता है, और इसके साथ ही इसमें आपको IP53 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है। बात करें इस फोन के वेट की तो वो है 200 ग्राम और मोटाई 8.8 mm, तो ये फोन थोड़ा भारी है। ये फोन आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, ब्लू, सिल्वर और ब्लैक। इस फोन के 6+128GB वाले वेरिएंट का अभी जो लिस्टेड प्राइस है वो है 26,000, और करंटली इस पे आपको 500 रुपए का कूपन डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और 1500 रुपए का इसमें आपको बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। तो ऑल्दो इस फोन में हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, मगर एक बहुत बड़ी कमी है इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले का ना होना। तो अगर आप 25,000 रुपए के प्राइस टैग पे गेमिंग स्पेसिफिक फोन देख रहे हो तभी इस फोन के साथ आप जाओ, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के सेकंड लास्ट पोजीशन के फोन पे, और ये फोन है सैमसंग की तरफ से A52s 5G। इस फोन में आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इसके स्क्रीन में मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी, तो नो डाउट ये इस लिस्ट का सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। इसमें कलर्स हमें काफी ज्यादा पंची देखने को मिलते हैं, इसके साथ ही इसमें ब्राइटनेस भी हमें काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। बात करें इस फोन के प्रोसेसर की तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल जाएगा, और इस फोन का ऑनटूज स्कोर है 5,41,000। तो परफॉर्मेंस हमें बहुत अच्छा तो नहीं, मगर डीसेंट देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इस फोन के एक और बड़े हाईलाइट की, जो कि है इस फोन का कैमरा। इस फोन के रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। इसके साथ ही इस फोन के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, और इससे भी आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। 4500mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही ये फोन सपोर्ट करता है 25W तक फास्ट चार्जिंग, जो कि लेता 1 घंटा 3 मिनट इस फोन को 100% चार्ज करने में। तो फास्ट चार्जिंग के मामले में ये स्मार्टफोन थोड़ा पीछे है इस लिस्ट के बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। इस फोन में आपको 12 5G बैंड देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही इसमें आपको 3.5 जैक और स्टीरियो स्पीकर दोनों ही देखने को मिल जाएगा, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ, IP67 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग, और साथ ही में इसमें आपको नॉक्स की मल्टी लेयर सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाती है। बात करें इस फोन के वेट की तो 189 ग्राम और मोटाई 8.4 mm। ये फोन आप 3 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, वॉलेट, ब्लैक और व्हाइट। इस फोन के 6+128GB वाले वेरिएंट का अभी जो लिस्टेड प्राइस है वो है 28,000, और इस प्राइस पे आप इस फोन को बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि जनरली ये फोन हमें 25,000 से 26,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाता है, और अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो अगर आपको बेहतरीन डिस्प्ले चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए और परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट चाहिए, तो इस फोन के साथ आप आंख बंद करके जा सकते हो। ऑल्दो फास्ट चार्जिंग के मामले में ये थोड़ा पीछे है, मगर स्टिल ये फोन काफी अच्छा पैकेज है। और फाइनली हम आ गए अपने लिस्ट के नंबर 1 पोजीशन के फोन पे, और ये फोन है IQNEO 6। इस फोन में आपको 6.62 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही इस पे हमें Snapdragon 870 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और इस फोन का ऑनटूटु स्कोर है 7,45,000। तो BGMI में इस फोन में आपको कांस्टेंट 60 FPS देखने को मिलेगा, मगर स्टिल इसमें अभी 90 FPS अवेलेबल नहीं है। बात करें इस फोन के कैमरा की तो इस फोन के रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिलेगा, और इससे आप 4K वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। इसके साथ ही इस फोन के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, और इससे आप फुल HD वीडियो ले पाओगे 30 FPS पे। 4700mAh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जो कि आपको 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देती है। इसके साथ ही इसमें आपको 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जो कि लेती है सिर्फ 12 मिनट इस फोन को 50% चार्ज करने में। इस फोन में आपको 3.5 जैक देखने को नहीं मिलेगा, मगर आपको टाइप सी टू 3.5 कनेक्टर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही इस फोन में आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। बात करें इस फोन के वेट की तो 90 ग्राम और मोटाई 8.5 mm। ये फोन आप 2 कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे, डार्क नोवा और साइबर रेंज। इस फोन के 8+128GB वाले वेरिएंट का अभी जो लिस्टेड प्राइस है वो है 30,000, और करंटली इस पे आपको 3,000 रुपए का बैंक ऑफर देखने को मिल जाएगा। इस फोन के लिए आपको 2,000 रुपए बजट अपना एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ऑल्दो ये फोन काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है, बट स्टिल इसमें काफी कमियां भी है। इस फोन में आपको सिर्फ 4 5G बैंड देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इस फोन के UI में आपको काफी ज्यादा अनवांटेड एप्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको फालतू के नोटिफिकेशन देते हैं, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है हेडफोन्स के थ्रू वो भी काफी ज्यादा पुअर है। और बात करें मेरे वर्डिट की तो करंटली अगर मेरे को 25,000 रुपए खर्च करना हो और किसी स्मार्टफोन के साथ जाना हो तो मैं सैमसंग A52s 5G के साथ जाऊंगा। इस फोन में मेरे को काफी तगड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है, इसके साथ ही काफी तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस और फास्ट चार्जिंग है थोड़ा इसमें इश्यू, मगर मैं उतनी हैवी गेमिंग करता नहीं हूं, तो ये मेरे को उतना इफेक्ट करेगी नहीं। तो सैमसंग A52s मेरा पिक है इस लिस्ट में से। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको जानना है बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30,000 के बारे में भी, तो उस वीडियो को लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।